हेलो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बोलूँगा मैं इसे। तो SCS में आपको पता है जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख बढ़ गई है, दैट इज़ फ्रॉम द 1 अप्रैल। बट उसी के साथ PMVBY स्कीम है जो वो उसकी जो अवधि है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। तो इन शॉर्ट आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ 30 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो 30 लाख अब कर ले इन्वेस्ट, चाहे वो 1 अप्रैल के बाद कर ले इन्वेस्ट। तो जो PMVBY है वो दोस्तों फिलहाल उसकी जो अवधि है वो 31 मार्च ही है, उसके बाद 1 अप्रैल से वो स्कीम बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे PMVBY में दोस्तों जो टेन्योर है वो डबल है देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड विद मंथली पे आउट। और जो PMBBY है और उसमें जो पे आउट है वो यहाँ पे मंथली रहता है। सो एंड इन केस ऑफ SCSS कैन क्लेम, और SCSS में जो दोस्तों यहाँ पे टैक्स डिडक्शन भी है अप टू 1.5 लैक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट। बट इन केस ऑफ PMBBY देयर इज नो सच क्लेम, उसमें ऐसा कुछ भी क्लेम या माध्यम आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैव टू शेयर अमंग ऑल द फ्रेंड्स, बिकॉज जो SCSS है उसकी जो अवधि अभी 1 अप्रैल के बाद आप उसमें 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं एट अ रेट ऑफ 8%। एंड अभी जो PMBBY है उसमें 7.4% इंटरेस्ट चल रहा है और उसमें आप मंथली पे आउट का प्रावधान दोस्तों उसमें है। सो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है एंड इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर मैनी ऑफ अस। एंड सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अदर योर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो टू। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।